जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलती आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती पे। अभी अभी ताजा की ये खबर है, तो चलिए आपको हम इस खबर के बारे में जल्दी से बता देते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम पर यथास्थिति याचिकाओं के निस्तारण तक बरकरार, रोज होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, रोज होगी सुनवाई। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर यथास्थिति याचिकाओं के निस्तारण तक बरकरार रहेगी। अब कोर्ट में प्रतिदिन मामले की सुनवाई होगी। आज 3 घंटे तक सरकार के विशेष अधिवक्ता ने पक्ष रखा। सर्वोच्च न्यायालय के क्वालिटी एजुकेशन संबंधी तमाम ऑब्जर्वेशन के सारे क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए जाने का निर्णय को सही बताया गया। कल भी सरकार अपना पक्ष रखेगी। इससे पहले कल की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार की ओर से पेश मुख्य स्थायी अधिवक्ता से पूछा था कि क्या सरकार 7 जनवरी के शासन आदेश के बगैर परीक्षा परिणाम घोषित करने को तैयार है। न्यायालय ने निर्देश प्राप्त कर उसी दिन जानकारी देने को कहा, लेकिन अपर महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि सरकार से अभी तक उन्हें समुचित निर्देश नहीं मिले हैं और पूरी तरह बात रखने के लिए 2 दिन के समय की मांग की गई, जिसके बाद न्यायालय ने यथास्थिति अगली सुनवाई तक बनाए रखने का आदेश दे दिया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने सरकार का पक्ष रखना शुरू किया। सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष राज्य सरकार ने मंगलवार को अपना जवाब दाखिल किया। सरकार की ओर से लिखित परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय करने के अपने निर्णय को सही करार देते हुए कहा कि उसकी मंशा क्वालिटी एजुकेशन देने की और इसके लिए क्वालिटी अध्यापकों की आवश्यकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती की परीक्षा के क्वालिफाइंग मार्क्स को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई थी। दर्जनों याचिकाओं की ओर से दाखिल अलग अलग 9 याचिकाओं में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर चुनौती दी गई थी।